ये टाइटल जो आप देख रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन, दिस टॉपिक इज़ इंक्लूडेड इन बीए फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर कोर्सेज फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन पे असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइटल है जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है। पेपर प्रेजेंटेशन जैसे कि नॉर्मली सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में होता है, और पेपर प्रेजेंटेशन ये ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी वाले ही करें, जबकि बीए से ही बच्चों को सिखाया जाता है अगर आप एकेडमिक लाइफ में हैं तो। पेपर प्रेजेंटेशन प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एकेडमिक वे। तो बीए एमए पीएचडी सभी लोग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में आप डेफिनेशंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद में आपको लिखना है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करें। नो योर ऑडियंस, सबसे पहले जानिए अपने ऑडियंस के बारे में, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट, तो पेपर प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए, तो वो कैसे लिखना चाहिए ये देखिए। रूल्स फॉर अ बेटर एब्स्ट्रैक्ट, कि आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिखना है तो उसे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप फुल नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लिखिए, ईमेल एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कोर्स एंड कॉलेज एंड सिटी। उसके बाद में आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑन रिसर्च पेपर, और आप अपने रिसर्च पेपर को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। राइट योर पेपर विद एन ऑडियंस इन माइंड, ओके। अलाउ टू टाइम लिमिट्स, वहाँ पे टाइम लिमिट होती है पेपर प्रेजेंट करने में। शॉर्ट में कॉन्फिडेंटली बोलिए, टेल योर स्टोरी ऑल्सो, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट यानी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करिए ऑडियंस के साथ में, और देन कंक्लूजन, देन हमें क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द असाइनमेंट, अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।